इधर बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा दौरे पर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बैतूल में हुए आदिवासी युवक के साथ मारपीट मामले को लेकर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज असुरक्षित है। बैतूल में दो दिन पहले एक आदिवासी युवक की मारपीट का वीडियो सामने आया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज असुरक्षित है, पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सुमित्रा महाजन के भाजपा ज्वाइनिंग करने के न्योता के सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि वो कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता लेने पर कहा कि उनके मन में जो आए वो करे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चार दिन के प्रवास पर छिंदवाड़ा दौरे पर है। उन्होंने आज छिंदवाड़ा के आदिवासी विकास खंड छिंदी में जनसभा को संबोधित किया। आदिवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार, आदिवासी पूरे प्रदेश का असुरक्षित, वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। चलो